बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन टीवी में आपकी खिदमत में अशरफ आसमी का सलाम। मैं आज आपकी खिदमत में एक बड़ा अहम जो है वो पॉइंट लेकर हाज़िर हुआ हूँ, वो ये कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरशिप के जो एग्ज़ाम होते हैं, लेक्चरशिप के लिए जॉब हासिल करने के लिए उसका क्या क्राइटेरिया है, उसकी तैयारी कैसे की जाए। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम इकोनॉमिक्स के मास्टर्स हमने किया हुआ है और हम उसकी लेक्चरशिप के उम्मीदवार हैं, तो हमने क्या करना है कि बेसिक कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो है ना वो हमारी बेहतर होनी चाहिए। और इसका जो अहम टिप है वो ये है कि इंटरमीडिएट लेवल का जो माशियात की किताब है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दिया जाए। ये जो इंटरमीडिएट लेवल का जो सिलेबस होता है ना, उसको बिल्कुल ना छोड़ा जाए। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर हम इंटरमीडिएट लेवल का पूरा कोर्स माशियात के सब्जेक्ट का तैयार कर लेते हैं, किसी तरह अगर आपका केमिस्ट्री टॉपिक है तो केमिस्ट्री में भी ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल का जो एफएससी की केमिस्ट्री जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उसको बहुत अच्छा तैयार कर लिया है, तो आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू जो है ना वो आप गेट थ्रू कर सकते हैं। नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की लेक्चरशिप का आप इम्तिहान दे रहे हैं, एजुकेशन है, आपने एजुकेशन की लेक्चरशिप हासिल करनी है, आपने मास्टर्स किया हुआ एजुकेशन, तो इंटरमीडिएट लेवल पे यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो एजुकेशन का सिलेबस है उसको बेहतरीन तरीके से तैयार करें। ये मतलब मैं अर्ज करने का मकसद ये है कि ये एक्सपीरियंस में ये बात आई है कि अगर जिस सब्जेक्ट की लेक्चरशिप के लिए आप पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वालिफाई करने जा रहे हैं, अगर उस सब्जेक्ट के इंटरमीडिएट के सिलेबस को आप मुकम्मल कवर कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए भी और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए भी, तो आपकी कामयाबी अल्लाह पाक के फजल करम से यकीनी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर है।